आ गया रूम पर? नहीं रास्ते में बोल। अबे इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? कुछ नहीं यार, रोज का तू बता। अच्छा वो बैंकर्स के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो देखी क्या अभी नहीं तो तक? मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ 100% वो कुछ बैंकर्स के बारे में नेगेटिव ही होगा। हाँ नेगेटिव तो है। न्यूज़ मीडिया को बैंकर्स से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम बैंकर हैं, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ये न्यूज मीडिया वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी उन्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि अब तो उन्हें फालतू न्यूज दिखाने के लिए वैसे बहुत कुछ मिल जा रहा है। साला आजकल टीवी देखकर या न्यूज पेपर पढ़ के ऐसा लगता है कि या तो न्यूज पेपर फाड़ दो या टीवी फोड़ दो। साला कुछ नहीं यार, ये बैंक की वाइट कॉलर जॉब साला कुछ टाइम में सब देख लिया मैंने। कौन सी गवर्नमेंट जॉब, काई का पैसा, कैसी स्टेबिलिटी। मैं बता रहा हूँ बैंकर का सही मतलब ही होता है बनकर, इसके बाद बस काम करना है, चाहे कुछ भी बोलो, या बनकर बेवकूफ बनकर या गधा बनकर। और ये है ना न्यूज चैनल वालों को साला कोई नहीं सुधार सकता। एंड ऑथेंटिक न्यूज मीडिया चैनल इज अ मिथ। तू नोटबंदी के टाइम को ही देख ले, जब तक लोग लाइन में खड़े होकर पैसे जमा करा रहे थे, तब तक ये लोग बोल रहे थे कि बैंक वाले कितना स्लो काम करते हैं, दिसंबर की धूप में लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है। और जब बैंक वालों ने बोल दिया कि भैया हमारा काम पूरा हो गया, और आरबीआई ने बता दिया कि 99% पुराने नोट हमारे पास जमा हो चुके हैं, तो बोले अरे इन्होंने तो पूरे नोट जमा कर दिए, इन्होंने तो घोटाला किया है, नोटबंदी इनके कारण फेल हो गई। ये सब साला हमारे रूढ़िवादी समाज की सोच का दोष है। डैडी रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट जॉब, नॉर्मल लड़का गवर्नमेंट जॉब, ज्वाइन किया सब सही, इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता। इसके बाद की स्टोरी बताता हूँ मैं। इसके बाद अगर जॉब पे 5 मिनट लेट पहुंचे तो बोलेंगे कमजोर आलसी हो रहे हैं, और साला शाम को लेट तक रुक के काम किया तो बोलेंगे बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बॉस की चाट रहे हैं। साला फेक न्यूज खत्म नहीं होती इनकी। पहले बोलेंगे बैंक में अगर आपका पैसा जमा है ना तो प्लीज ये न्यूज देखिए, और फिर बोलेंगे बैंक अगले 10 दिन के लिए बंद रहेंगे, कृपया करके जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लीजिए। साला ये पूछने के लिए कि बैंक 10 दिन बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इतनी पब्लिक आ जाती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के इंक्वायरी विंडो पे बैठकर काम कर रहा हूं मैं। एक तो बैंक के बारे में न्यूज दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे भी तो ऐसी जिसके बारे में बैंक वालों को खुद को नहीं पता। एक महीने में 3-3 बार बता देंगे कि बैंक 10 दिन के लिए बंद रहने वाले, जल्दी काम निपटा लो। अबे साला इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, हमने तो कभी एक साथ छुट्टी नहीं देखी, आखिर ये 10 दिन आते कब है? इवन हमारे तो होली दिवाली की छुट्टी भी एक एक दिन की आती है, और उसमें भी कभी कभी संडे आ जाता है। एक तो ना बैंक में टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का एक घटिया इन्वेंशन है, मैं बता रहा हूँ पहले से ही था। कोई पेमेंट लेने आया, पेमेंट किया, ले जाने की काम खत्म, लेकिन अब सारा काम होता है सिस्टम पे। तो बैंक में लिंक नहीं है तो हम यही बोलेंगे कि सर अभी बैंक में लिंक नहीं है, काम नहीं हो पाएगा। ये सुन के कस्टमर जाएंगे नहीं, ये पूछेंगे सर क्यों नहीं हो पाएगा? और तो पहले ही ठीक था, पहले सारा काम हाथ से होता था, लेजर लिखी काम खत्म हो जाता था। चलो यही बता दो कि लिंक कब तक आएगा। अबे साला कैसे बता दूं लिंक कब तक आएगा, भगवान थोड़ी ना हूं मैं। तू बता देता कि तेरे घर में लाइट गई हुई लाइट कब तक आ जाएगी, नहीं ना तो फिर मैं कैसे बताऊं? मैं बता रहा हूँ सही बोलते हैं लोग, कस्टमर भगवान का रूप होता है, और भगवान तो कण कण में, ये हम सब जानते हैं। इसलिए छुट्टी वाले दिन सब्जी लेने भी जाओ तो वहां भी कोई आपको मिल जाएगा और पूछेगा सर पेंशन पैसा डाल दिया हमारे अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि बैंकर्स का मन नहीं होता बाहर जाने का, घूमने का, मूवी देखने का, पर इस डर से कि साला बाहर कोई जाएंगे और वहां भी कोई कस्टमर मिल जाएगा और वही बैंक की बातें करनी पड़ेगी, इसलिए सब साले घर पे पड़े रहते हैं, और साले लोग हमें नॉन सोशल पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये फेक न्यूज सुनकर कोई ना कोई एक कस्टमर आ जाएगा, और आते ही उस फेक न्यूज से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछ डालेगा, हम भी जवाब देते हैं जो भी हमें पता होता है। लेकिन नहीं, वो कस्टमर ऐसा नहीं कि वो जवाब सुनकर चला जाएगा, नहीं, वो फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा, और हम सिंपली उसका जवाब देते रहेंगे और हमारा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हमें पता है वो सवाल गलत है, वो न्यूज भी गलत है, लेकिन हम उसका रेस्पॉन्स ना दे, उस सवालों का जवाब ना दे तो साले क्या करेंगे, तुरंत हेड ऑफिस कॉल करते हैं और फिर बोलेंगे सर आपके यहाँ जो स्टाफ है ना वो कोई जवाब ही नहीं देता, कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताता, उसका क्या कहते हैं कस्टमर रिलेशन बड़ा खराब है। अब साला करे भी तो क्या करे, आप समझ में आया कि ये क्या कहते हैं न्यूज चैनल वाले इतने एनर्जेटिक और रिलैक्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि ना तो इनके बारे में कोई न्यूज होती है और ना कोई क्वेश्चन पूछने वाला होता है। और कुछ भी नहीं तो करंट सिनेरियो को देख लो, अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और कुछ डिपार्टमेंट ही काम कर रहे हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मी और बैंकर्स। अभी तक बैंकर्स को छोड़कर बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी होगी, इन्हें कोरोना वॉरियर्स भी बोला जा रहा है, जो कि अच्छी बात भी है, ये रेस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं क्योंकि ये काम भी कर रहे हैं ऐसे टाइम में। लेकिन व्हाट अबाउट बैंकर्स, भैया बैंकर्स भी तो काम कर रहे हैं ना, बैंकर्स को भी कोरोना हो सकता है। लेकिन यहाँ भी है ना न्यूज मीडिया इनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बताएगा, न्यूज मीडिया अब भी बताएगा कि देखो बैंकों के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी है और उस लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, ना पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है, इवन छाया की व्यवस्था भी नहीं है। अरे भाई ये सब चीजें जो तुम हमारे बैंक के बारे में दिखाते हो या बैंकर्स के बारे में दिखाते हो, ये अभी याद आती है बैंक के बाहर लगी लाइन देख के, दारू के ठेके के सामने की लगी लाइन देख के तुम्हें याद नहीं आता, ऐसा क्यों है भाई?
ये भी तो बैंकर्स भी तो इंसान ही है ना, इनको भी तो कोरोना हो सकता है, इनके बारे में भी थोड़ा कभी कभी ढंग की बात बता दी करो। लेकिन नहीं, इन्हें वहां भी बैंकर्स के बारे में केवल न्यूज मीडिया को हमेशा नेगेटिव बातें ही दिखानी होती है। इस न्यूज को देख लो ना कि मीडिया वाले किस तरीके से बैंकर्स को टारगेट करते हैं। मतलब क्या लिखा है, बैंक मैनेजर ने 10 गांव के लोगों को मुसीबत में डाला। इनके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ होगा कि बैंक मैनेजर खुद कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसको पता होने के बावजूद भी वो अपनी सर्विस देने बैंक पहुंच गया। ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है भैया वो अपनी सर्विस दे रहा हो लोगों को और कोई कोरोना पॉजिटिव कस्टमर के संपर्क में आ गया और वो खुद कोरोना संक्रमित हो गया। लेकिन नहीं, यहां भी इनको बैंक मैनेजर से या बैंकर से कोई सिंपैथी नहीं है, यहां भी इन्हें बैंक मैनेजर बैंकर्स को एक विलेन की तरह पोर्ट्रेट करना है। तो भाई आप सभी लोगों से मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि ठीक है, हमें कोरोना वॉरियर्स नहीं मानना चाहते, मत मानो, हम हमारा काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और आगे भी करेंगे। लेकिन इस कोरोना के खिलाफ जंग में एक बैंकर को भी थोड़ी सी इज्जत दो, ताकि उसको भी लगे कि वो देश के लिए जो काम कर रहा है वो वर्दी है। और कोरोना के खिलाफ जंग में हमें कोरोना वॉरियर्स नहीं मान सकते तो ना मानिए, एटलीस्ट हमें हाथी घोड़ा चेतक या फिर पैदल सिपाही या एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था का घायल सिपाही मान लो, जिसके प्रति किसी का कोई दया भाव नहीं है। तो प्लीज ये फेक न्यूज और नेगेटिव न्यूज बैंकर्स के लिए बंद करो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, आई होप कि आप सबने एंजॉय किया। आपका क्या रिएक्शन है ये देखकर प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, ताकि सबको पता चल सके कि अभी बैंकर्स की सिचुएशन क्या है और उनको किस तरीके से न्यूज मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो प्लीज गाइज शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे भविष्य में घटने वाली इस चैनल पर सभी घटनाएं आपको समय पर मिल सकें।